ज्योतिष का एकमात्र चैनल एस्ट्रोलॉजी लॉजिक्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले पार्ट में ज्योतिष के मूल सूत्र जाने थे, आज अपने ज्योतिष के भावों के त्रिकोण को समझेंगे, लक्ष्मी भाव को समझेंगे, केंद्र भाव को समझेंगे, उपचय भाव को समझेंगे व त्रिक स्थानों को समझेंगे। जैसे जिस भाव में, जिस त्रिकोण में ग्रह बैठता है वो आपको किस तरह फल देता है, वह त्रिकोण कितना मजबूत है, उस त्रिकोण को क्यों आपको मजबूत करना चाहिए, किस त्रिकोण को आपको कमजोर रहने देना चाहिए, उपचय भावों के मालिक का क्या फल मिलता है, त्रिक स्थानों में बैठा ग्रह आपको कैसा फल देगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लॉजिकली सारी चीजें समझाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़ने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा वीडियो देखोगे तो पहले वाला पार्ट अगर आपने देख लिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पहले पार्ट की मिल जाएगी और आपको आई बटन ऊपर में भी आपको पहले पार्ट की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप पहला पार्ट अगर क्लियर करते हो तो दूसरा पार्ट आपका ज्योतिष का मजबूत बना देगा। कम से कम इसके 10 पार्ट वीडियो बनेंगे नाड़ी ज्योतिष के 10 पार्ट के वीडियो अगर आप खुद देख लेते हो तो आप अपना कंक्लूजन खुद निकालना सीख जाओगे। आपके घर में आपके नाम, बच्चे, पुत्र, संपत्ति, जायदाद कितनी, क्या, कब, कैसे होगी, किस तरह बनेगी, सारी चीजें नाड़ी ज्योतिष से आसानी से निकाल सकते हो। इसमें ना नक्षत्र का रोल है, ना दशाओं का रोल है, ना कोई भी तरह का और भी डिग्रियों का रोल है, सिर्फ भाव का रिलेशन होगा, त्रिकोण का रिलेशन होगा, ग्रहों का रिलेशन होगा, राशियों का रिलेशन होगा। चार चीज से ज्योतिष सीख सकते हो, खुद सारी चीजें आप निकाल सकते हो, सिर्फ पूरा वीडियो देखकर समझिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार उस वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट के अंदर लिखिए, मैं आपको उस कमेंट के अंदर आंसर जरूर करूंगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो, ध्यान से वीडियो देखिएगा, एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, सारी चीजें लॉजिकली आपको एक एक परफेक्ट करके बताऊंगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो देखिए दोस्तों, पहला भाव जो होता है धर्म त्रिकोण होता है, पहले का पांचवा और नौवा जो होता है, यहाँ पे देखो 5, 1, 5, 9, ये तीन तरह के त्रिकोण जो बनते हैं वो आपको धर्म त्रिकोण बनाते हैं। तो त्रिभुज बनेगा वो धर्म त्रिकोण बनेगा। इसके सीध में कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये धर्म त्रिकोण बनता है। अर्थ त्रिकोण कौन सा बनता है, ये देखो सीधा, ये सीधा, ये सीधा, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण बनता है। काम त्रिकोण कौन सा बनता है, 3, 7, 11। काम मतलब कर्म, काम मेहनत करना, मेहनत का रिजल्ट पाना। अर्थ का मतलब क्या होता है, आर्थिक, आर्थिक मतलब धन संपदा से। तो छठा भाव कितना इंपोर्टेंट भाव है, 6th हाउस को अपने बहुत कमजोर समझते हैं, लेकिन 6th हाउस आर्थिक आपके धन के लिए, वैभव के लिए सबसे ज्यादा रोल निभाता है। मोक्ष त्रिकोण कौन सा है, ये मोक्ष त्रिकोण है आपका। तो 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण है आपका, जो मोक्ष लास्ट में मिलता है वो आपको 4, 8, 8 मृत्यु स्थान, मोक्ष स्थान और आपके जीवन यापन का स्थान। चौथा आप जीवन यापन करते हो या आपकी मृत्यु होती है या आपको मोक्ष मिलता है। तो सबसे पहले लग्न का त्रिकोण आता है धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 होता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, तो सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ये ग्रह यहाँ पर भी आ सकता है, ये ग्रह यहाँ पर भी आ सकता है, ये ग्रह की युति, अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है, मान लो यहाँ सूर्य बैठा है और यहाँ आपका गुरु बैठा है, तो सूर्य और गुरु की युति फल मिल जाएगा, सूर्य और गुरु का युति होगा हमेशा। मतलब यहाँ बैठा हुआ ग्रह यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर बैठा हुआ भी यहाँ पर भी ग्रह आ सकता है, यहाँ बैठा ग्रह यहाँ के 70% रिजल्ट जरूर देगा। मतलब ये जो ग्रह बैठा है वो, वैसे भी आपको वैदिक में आपको पता होगा गुरु की 5, 7, 9 तीन दृष्टियां होती है। आपने वैदिक में अगर कभी सुना होगा या आप गूगल में, यूट्यूब में सर्च करके देखिएगा, जुपिटर की तीन दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। वैसे ही नाड़ी ज्योतिष में 5
और नौ, पांच और नौ दृष्टि होती है, पांच और नौ सभी ग्रहों की दृष्टि होती है, सिर्फ केतु ग्रह की दृष्टि नहीं होती है। ध्यान रखना, केतु एक छाया ग्रह है, उसकी धड़ होती है, उसकी आंखें कभी नहीं होती है। आप बार बार सुनते होंगे केतु की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है। केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव को नष्ट कर देता है, उस भाव में संघर्ष डाल देता है, उस भाव से प्रति आपको आध्यात्मिक बना देता है। उस जैसे मान लो केतु सेवन था, सप्तम भाव शादी के भाव में बैठा है। मैंने आपको कल भाव शादी का, ससुराल का, गुप्त धन का, मृत्यु का सारा चीज फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, पार्ट वन जरूर देखिएगा, तभी पार्ट टू आपको समझ में आएगा। केतु जैसे सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो शादी जीवन के प्रति आपको नष्ट कर देगा, शादी जीवन में इंजॉयमेंट नहीं रहेगा, आप शादी जीवन को बोर फील करोगे, उसमें आपको अच्छा मन नहीं लगेगा। केतु जहां बैठेगा वहां के प्रति आपको तनाव देगा, तनाव और तनाव से ग्रसित कर देगा। इसलिए केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है, केतु जहां बैठता है उस भाव को अपने कंट्रोल में लेके उससे संघर्ष करवाता है, उसको नष्ट करने की कोशिश करता है। तो वही चीज बता रहा हूं, सभी ग्रहों की नाड़ी ज्योतिष में पांच और नौ एक दृष्टि होगी, और दूसरा त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में जाएगा तो वहां के फल जरूर देगा। अगर यहाँ पाप ग्रह बैठा है तो ये पांचवें भाव को भी खराब करेगा, नब्बे भाव को भी खराब करेगा। शुभ ग्रह बैठा है तो पांचवें भाव को भी अच्छा फल देगा, नब्बे भाव को भी अच्छा फल देगा। इसी तरह अर्थ त्रिकोण में मान लो पाप ग्रह बैठा है तो धन को भी नष्ट करेगा, नौकरी के प्रति संघर्ष करवाएगा, प्रोफेशन में दिक्कत समस्याएं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूं, धन भाव में पाप ग्रह बैठा है, शत्रु ग्रह बैठा है तो इस धन भाव को नष्ट कर रहा है, नौकरी करने में दिक्कत समस्याएं होगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो प्रोफेशन सेट नहीं होगा, प्रोफेशन सेट नहीं होगा तो धन नहीं आएगा। लॉजिक समझिए, 2, 6, 10 का यहाँ पे लिखा हुआ है, 2, 6, 10 मैंने यहाँ त्रिभुज बनाकर पूरा है, आपको होचपोच लग रहा है तो यहाँ आपके सामने लिखे हुए है। तो देखिए, दूसरे भाव में धन के संबंधित अगर कोई पाप अशुभ ग्रह बैठा है तो शुभ ग्रह धन लाएगा। क्यों लाएगा? आपको नौकरी लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, कर्म करोगे प्रोफेशन सेट हो जाएगा, प्रोफेशन सेट हो जाएगा तो धन आएगा ही आएगा। काम भाव में अगर पाप ग्रह बैठा है तो आपकी पत्नी सुख, आपका जीवन साथी का सुख नहीं मिलेगा, व्यापार करने में दिक्कत समस्या आएगी, डेली रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, डेली रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होगी तो लाभ नहीं होगा। मोक्ष स्थान में शुभ ग्रह बैठा है तो आपके हर सुख सुविधाएं जीवन यापन में मिलेगी, सुख सुविधाएं मिलकर आप अच्छे से मृत्यु को हासिल करोगे, अच्छे पुण्य प्रताप से आपको मोक्ष तक भी मिल जाएगा। इसलिए सभी भावों का एक दूसरे से लिंक रहता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए केंद्र भाव मैंने कहा है लक्ष्मी भाव, केंद्र भाव मैंने कहा है लक्ष्मी भाव, कौन सा है? 1, 4, 7, 10 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव है। ये केंद्र भाव जो होते हैं ना, ये केंद्र भाव है। तो केंद्र भाव में कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो वो मजबूत हो जाता है, लक्ष्मी भाव कहा जाता है। इस भाव में बैठा ग्रह आपको सारी सुख सुविधाएं जरूर देता है। जैसे मान लो यहां पर गुरु शुभ होकर बैठ जाए, लेकिन गुरु को केंद्रम दोष भी लग जाता है, लेकिन शुभ भाव में बैठा है, साथ में किसी के साथ युति करके बैठा है तो आपको अच्छे फल जरूर देगा। अगर मान लो यहाँ चौथे भाव में राहु बैठ जाए, लक्ष्मी भाव है, केंद्र भाव है, तो राहु की जो क्रूरता है, राहु की जो दुष्टता है वो कम हो जाएगी, अच्छा फल जरूर देगी, लेकिन कहीं ना कहीं राहु के जो लक्षण होते हैं उससे आपको दिक्कतें जरूर मिलेगी, प्रॉपर्टी संबंधित दिक्कत समस्याएं हो सकती है। वाहन चलाते समय ध्यान रखें, एस जो राहु के जो कारक तत्व होते हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, तो उसके लक्षण आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी जो उसकी क्रूरता होती है, दुष्टता होती है, जो पागलपन रहता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। अब बात करते हैं अपने आगे। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, उपचय भाव के बारे में। उपचय भाव 3, 6, 10, 11 तीसरा भाव, देखो टिक कर रहा हूं आप अच्छे से समझिएगा, तीसरा भाव, छठा भाव, दसवां भाव और ग्यारहवां भाव, ये उपचय भाव होता है, यह उपचय भाव कहलाता है। उपचय भाव 3, 6, 10, 11 सूर्य ग्रह यहां बैठ जाए, सूर्य आपको पता है पिता का कारक होता है, चंद्र ग्रह यहां बैठ जाए, चंद्र ग्रह माता का कारक होता है,
शुक्र ग्रह यहाँ बैठ जाए, शुक्र आपको पता है पत्नी का कारक ग्रह होता है, स्त्रियों का कारक ग्रह होता है, तो जैसे सूर्य यहाँ बैठा है आपके तीसरे भाव में, उपचे भाव है, उपचे भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है अगर उस ग्रहों की डिग्री कमजोर होती है, जैसे आपके सूर्य पिता का कारक, तो पिता ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है आपके जन्म से पहले और जन्म के बाद भी, मतलब सीधा कंक्लूजन निकलता है, एक्यूरेट एनालिसिस निकाल सकते हो। अगर कुंडली को भूल जाइए, पूरा ग्रहों को भूल जाइए, सिर्फ तीसरा भाव ले लीजिए, सूर्य ग्रह को ले लीजिए, अगर कुंडली में तीसरा भाव है और सूर्य यहाँ बैठा है, तो पिताजी ने खूब संघर्ष किया है आपके जीवन में, खूब मेहनत से तरक्की से आगे बढ़े हैं। छठे भाव में सूर्य बैठ गया, पिता को रोग लगा है, हेल्थ इश्यूज जरूर रहेंगे, कोई ना कोई दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ा है, मेहनत काफी ज्यादा की है। दसम भाव में सूर्य, केंद्र भाव लक्ष्मी भाव में सूर्य बैठ गया, तो लक्ष्मी भाव का रोल मिल गया, लेकिन बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया और बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए, लाभ जरूर मिलता है, लेकिन मेहनत संघर्ष करने के बाद काफी लाभ कमाया है। तो उपचे भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए तो उससे आपको बहुत ज्यादा मेहनत मिलती है। जैसे अगर आपका लग्न का मालिक, खुद का मालिक तीसरे भाव में बैठ गए हो, छठे भाव में बैठ गए हो, दसम भाव में बैठ गए हो, ग्यारहवें भाव में बैठ गए हो, तो बहुत ज्यादा संघर्ष आपको खुद को करना पड़ेगा, लग्न का मालिक। अब देखिए, काफी ज्यादा छठे भाव संघर्ष का है, प्रतियोगिता का है, मुकाबला का है, कंपटीशन का है, ग्यारहवा भाव लाभ का है, लेकिन बिना स्वयं के मेहनत संघर्ष प्रतियोगिता आदि के बिना सफलता नहीं मिलती। इन भावों में बैठे ग्रहों से इन्हीं भावों के गुण आ जाते हैं। छठे भाव में बैठेगा तो शत्रुता, लड़ाई, झगड़ा ये सब जरूर आएगा। उस जैसे सूर्य यहाँ बैठा तो पिताजी को कोर्ट केस या लड़ाई झगड़ा या इन सब से कभी ना कभी जरूर उलझना पड़ता है। अब देखिए त्रिक स्थानों का मालिक, त्रिक स्थान 6, 8, 12, ये जो भाव होते हैं ना, ये त्रिक स्थान होते हैं, दुख स्थान होते हैं। यहाँ कोई भी ग्रह बैठता है तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ समस्या जरूर होती है। छठा, आठवां व बारहवां भाव त्रिक स्थान कहलाता है। इन भावों में अन्य भावों से आए ग्रहों से कमजोरी आने वाले ग्रहों से भावों के विचारधारा, गुण, प्रकृति आदि आ जाती है। मतलब ये कमजोर होते हैं, कमजोरी बढ़ देते हैं। ये छोटी बीमारी, ये बड़ी बीमारी, ये अस्पताल। छोटी बीमारी जब यहाँ बड़ी बीमारी कन्वर्ट हुई तो अस्पताल में भर्ती होना ही पड़ेगा। तो त्रिक स्थान में जब भी कोई ग्रह आ जाता है तो वो कमजोर हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, उसको काफी ज्यादा सहन करना पड़ता है। देखो यहाँ पर मैं एक उदाहरण बताता हूँ। अष्टम भाव में चंद्रमा लग्नेश होकर बैठा हो तो चंद्र को अष्टम भाव के लग्नेश होकर फायदा करेगा, परंतु जैसे लग्नेश चंद्रमा जहां बैठता है वहां वृद्धि करेगा। लग्नेश चंद्रमा कर्क राशि का मालिक है, कर्क लग्न बनता है अष्टम भाव में, यहां पर बैठ गया कर्क लग्न का मालिक बनकर अष्टम भाव में बैठ गया तो चंद्रमा लग्न का मालिक होकर अष्टम को तो फायदा करेगा, लेकिन ये गलत ग्रह है ना, खड्डा है, तो इसको फायदा करेगा तो क्या होगा, आपका मन कमजोर होगा, मन में अशांति रहेगी, डिप्रेशन का योग होगा, स्ट्रेस रहेगा, बहुत ज्यादा पीड़ित रहेगा, मन एक जगह नहीं लगेगा, विचारधारा काफी ज्यादा बदल जाएगी, हिंसक व आत्मघातक हो जाओगी, तरह तरह के मन में विचार हो सकता है, ऐसे लोग स्ट्रेस में आके सुसाइड तक के भी योग बन सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, स्ट्रेस में आके बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना ले, नहीं तो दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव में होने से चंद्रमा काफी ज्यादा डिप्रेशन देता है, कोई भी कुंडली बने अष्टम भाव में चंद्रमा अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। आप दूसरों का तो फायदा करोगे लेकिन खुद का नुकसान जरूर करते रहोगे, इस चीज के गुण आपके अंदर आ जाएंगे अष्टम भाव में आने से। अब देखिए विपरीत राजयोग की स्थिति बताता हूं। मान लो अष्टम भाव का मालिक छठे भाव में बैठ जाए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आठवें का मालिक छठे भाव में बैठ जाए, छठा भाव चोर या दुश्मन होता है, अष्टम भाव में स्थित हो, छठे भाव का मालिक आठवें में आ जाए, छठा भाव चोरी का है, रोगों का है, दुश्मन का है, आठवें भाव में आ जाए तो वह मृत्यु को चुरा लेगा, मृत्यु से दुश्मनी कर लेगा, इसलिए उम्र उसकी ज्यादा हो जाएगी, दुश्मनों को मारेगा, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप शत्रुओं से पराजित नहीं होंगे, आपके शत्रु आपसे पराजित हो जाएंगे, मतलब विपरीत राज्यों की स्थिति में आपको काफी ज्यादा फायदा जरूर कराएगा। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा इस वीडियो में धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण।
धर्म त्रिकोण आप खुद है, आपका धार्मिक कार्य है, आपके वृद्धि कार्य, वृद्धि के योग, तरह तरह के वृद्धि के योग। अर्थ त्रिकोण धन से है, धन आपकी कंपटीशन, मेहनत, नौकरी, प्रमोशन, करियर का है। करियर की जब भी बात करेंगे तो 2, 6, 10 से बात करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कब नौकरी लगेगी, नौकरी में कब प्रमोशन होगा, ये सारी चीजें लॉजिकली इस वीडियो में बबताऊंगा। शादी कब होगी, 3, 7, 11 सातवां शादी का कारग्रह है, 11वां लाभ है, इच्छा शक्ति का है, दूसरा आपका परिवार का है। तो 3, 7, 11, 2 का जब भी रिलेशन बनेगा तब शादी के योग जरूर बनेंगे। जब भी गुरु मंगल की और शुक्र की दृष्टि डालेगा तब भी शादी के योग जरूर बनेंगे। इस तरह के सारे वीडियो आने वाले कल में जरूर देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और पेड एनालिसिस के लिए व्हाट्सएप पर जरूर संपर्क करें। जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।